इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब प्रशासन की चौकसी को मात देकर ठेंगा दिखाते हुए गोड्डा के कुछ दुकानदार अपने व्यापार को अंधाधुन तौर से चला रहे हैं। अब भला प्रशासन भी इन हुक्मरानों का क्या कर सकती है? शायद इन्हें अपने और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना कितना भी तेजी से फैले, इन्हें तो बस मतलब है पैसे कमाने से और अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी को दांव पे लगाने से। इन्हें तो बस पैसे कमाने की जिद। ये तस्वीर गोड्डा जिला के उस क्षेत्र की है जहां अभी कोरोना से एक व्यक्ति की कुछ दिनों पहले मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन इन सब बातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क नहीं पड़ता उन लाखों मौत से जो ऑक्सीजन और अन्य साधनों के ना होने की वजह से हो रही है। अब बात उस तलक रह गई कि आखिर प्रशासन ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो इसका कारण यह है कि ये जो शातिर दुकानदार हैं, ये प्रशासन की गाड़ी की आवाज को सुनते ही शटर गिरा देते हैं और जैसे प्रशासन की गाड़ी पार हो जाती है तो फिर से ये लोग कोरोना फैलाने के कार्य में लग जाते हैं। और जिन दुकानदारों के घर में ही उनकी दुकान है, उनके लिए तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सरकार चाहे सजग हो, लेकिन गोड्डा की कई जगह पर लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया है। यहाँ ना तो जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों का अनुपालन होता दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस से बेखौफ लोग आम दिनों की तरह बिक्री और खरीदारी कर रहे हैं। रविवार को भी लोग गोड्डा के हटिया चौक स्थित चप्पल दुकान, जलसा फुटवेयर, फ्रैंक सेल्स, अल्फा इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी अन्य दुकानें खुली थी। जब संवाददाता ने दुकान को खुला देखा तो दुकानों का वीडियो बना लिया। अब इत्तेफाक यूं हुआ कि वीडियो बनाने के कुछ देर बाद पेट्रोलिंग गाड़ी उस सड़क से सायरन बजाते हुए आई तो दुकानदारों ने तुरंत शटर को गिरा दिया और प्रशासन को चकमा देने में सफल होने के बाद फिर दुकानदारी में लग गए। हालांकि डीएम के आदेश पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बाजार व सड़कों पर सख्ती करने के लिए उतरते तो हैं, लेकिन यह लोग भी खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं, जिस कारण इन दुकानदारों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मनबड़ू और बेफिक्र दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर देना चाहिए ताकि ऐसे दुकानदार जिनका मनोबल आसमान छू रहा है उन्हें कुछ सबक मिल सके।